देखें माशाल्लाह चिकन अचार मिसाला तैयार है। मिसे अचार गोश्त मिसाला इसलिए कह रही हूँ कि आप इसका मिसाला चेक करें, बहुत मज़े का बना हुआ है। और अगर आपने मेहमानों को एक मरतबा बना के दे दिया ना तो उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे और बार बार फरमाइश करेंगे इंशाल्लाह कि हमें यही अचार गोश्त बना के खिलाएं। ये देखिए इसका मिसाला कितना ज़बरदस्त बना हुआ है माशाल्लाह। और मिर्चें भी देखिए कितनी अच्छी मिर्चें जो है बिल्कुल भी टूटी नहीं है, मिक्स नहीं। और मिर्चों का जो मिसाला है ना वो मिर्चों के अंदर ही है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ज़बरदस्त चटपटी सी अचार गोश्त मिसाला की रेसिपी। ये इतने मज़े का बनता है और इतना चटपटा बनता है कि अगर आप एक मरतबा बनाएंगे तो आपका दिल चाहेगा बार बार ये रेसिपी ट्राई करें। और ये जो अचार गोश्त बनाने का तरीका है ये बहुत आसान है और बहुत जल्दी भी बन जाता है, तो आपने इस रेसिपी को अंत तक ज़रूर देखना है। तो अचार गोश्त के लिए बनाने के लिए हमें जो मिसाले चाहिए वो ये हैं। यहाँ पे मैंने लिए कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा, लहसुन अदरक, करौंजी, मेथी दाना, सौंफ और ये जो तमाम स्पाइसेस हैं ये मैं आधी आधी चम्मच इस्तेमाल करूँगी। आधा किलो लिए मैंने यहाँ पे दही और 4 अदद मैंने बड़े टमाटर लिए और पानी डाल के इनका मैंने पेस्ट बना लिया है। चिकन लिया मैंने यहाँ पर 750 ग्राम। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है जो मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसके अलावा जो मेरा दूसरा चैनल मुस्कान व्लॉग के नाम से, अगर आपको शॉपिंग के रिलेटेड कोई भी मालूम चाहिए तो आप उसे विज़िट कर सकती हैं, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पहले मैं चिकन में दही ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुटी हुई लाल मिर्च, कुटा हुआ ज़ीरा, कुटी हुई सौंफ, आधी चम्मच मेथी दाना, आधी चम्मच तकरीबन कलौंजी, ये तो थे साबित मिसाले। अब मैं पाउडर मिसाले शामिल करूँगी। आधी चम्मच लाल मिर्च पिसी हुई, आधी चम्मच हल्दी, नमक, ये भी आधी चम्मच। आप स्पाइसेस इससे ज़्यादा भी कर सकती हैं और इससे कम भी कर सकती हैं, जितने आप पसंद करती हैं उसके मुताबिक आप मिसाले कम या ज़्यादा कर सकती हैं। और अब इसमें शामिल कर दूंगी गरम मिसाला, कुटा हुआ धनिया, लहसुन अदरक 1 टेबलस्पून। अब तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी 1/2 घंटे के लिए। आप चाहें तो इससे ज़्यादा टाइम के लिए रख सकती हैं। अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हो तो आप एक दिन पहले भी इसको मैरिनेट करके रख सकती हैं। ये बहुत मज़े का बनता है, मेरे घर में बच्चे बहुत पसंद करते हैं, ये बहुत मज़े की रेसिपी है, आपको भी इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी क्योंकि ये बहुत आसानी से बन जाती है माशाल्लाह। मैंने चिकन जो है बोनलेस लिया, हड्डी के साथ भी ले सकती हैं, उसके साथ भी बहुत मज़े का बनता है। जो है वो मैंने मैरिनेट होने के लिए रख दिया है। यहाँ पे मेरे लिए कुछ स्पाइसेस जो मैंने चिकन में शामिल किए ये वही स्पाइसेस हैं। ये और ये मैंने लिया है लेमन जूस। अब ये जो तमाम स्पाइसेस हैं ये मैं लेमन जूस में ऐड कर दूँगी मिर्चों में भरने के लिए। तो ये आप देख लें कि वही स्पाइसेस हैं, मैंने इनको थोड़ा और कूट लिया है। अब तमाम जो स्पाइसेस हैं मैं लेमन जूस में ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैंने फ़िलहाल जो है 1/2 लेमन लिया है, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं बाकी का जो 1/2 लेमन है वो भी ऐड कर दूंगी। मिक्सचर में बना रही हूँ, यह हमें थोड़ा ना हार्ड रखना है, बिल्कुल पतला नहीं करना लिक्विड सा, ताकि मिर्चों में अच्छे से भरा जाए। और मिर्चें जब हम खाएं ना तो जैसे अचार की मिर्चें होती बिल्कुल वही टेस्ट आए, मिर्चों में ये मिसाला रहे, निकले ना मिर्चों से ये मिसाला। तो इसमें मैं 1/2 जो लेमन है वो भी ऐड कर दूँगी। मिसाला मैंने कुछ ऐसे बनाया है, आपने भी ऐसे ही इतना ही थिक रखना है। यहाँ पे मैंने लिए 5 अदद मिर्चें और मैंने इनमें कट लगा लिए हैं और माशाल्लाह खुशबू इस वक्त ऐसी फैली हुई है जैसे ना अचार हम लोग बनाते हैं ना घर पे,
बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है अभी से ही, तो ये मसाला जो है मैं मिर्चों में भर दूंगी। और ये देखिए मैंने तमाम मिर्चों में मसाला भर दिया है। अगर आप अचार गोश्त मसाला बनाना चाहती हैं तो तमाम मसाले ज़्यादा मिकदार में लेके किसी जार वगैरह में डाल के रख दें, आपको जो अचार मसाला अचार गोश्त मसाला बिल्कुल परफेक्ट तैयार होगा इंशाल्लाह। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, बना के थोड़ी सी ज़्यादा मिकदार में रख देती हूँ, तो जब भी बनाना हो तो उठा के बना लेती हूँ, आसानी हो जाती है इससे। यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप ऑयल, अब इसे डालूंगी कढ़ाई में। अभी आपने रेसिपी अंत तक ज़रूर देखनी है क्योंकि रेसिपी इतनी मज़े की और इतनी आसान होने वाली है। आपको कोई प्याज फ्राई करने की ज़रूरत नहीं, कोई आपको प्याज डाल के चिकन भूनने की ज़रूरत नहीं, इतनी आसानी से ये रेसिपी बनेगी। ऑयल को मैं यहाँ पे थोड़ा सा गर्म करूँगी, ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी टमाटरों का पेस्ट, 4 अदद मैंने टमाटर लिए थे और मैंने उनका ना पानी डाल के पेस्ट बना लिया था, तो अब मैं वो ऐड करने लगी हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये जो टमाटरों का पेस्ट है ये मैं 1 से 2 मिनट पकाऊंगी, उसके बाद ऐड कर दूंगी मिक्स चिकन इसमें जिसमें मैंने मसाले वगैरह लगा के रखे हुए हैं। तो 2 मिनट हो चुके हैं टमाटरों के पेस्ट को पकते हुए, ये देखिए कुछ अच्छे से मिक्स सा हो गया है ये। अगर आप चाहें तो टमाटर काट के भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब मैं शामिल कर दूंगी मैरिनेट किया हुआ चिकन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और चिकन को यहाँ पे मैं भूनूंगी 2 से 3 मिनट अच्छी तरह भून के, तो फिर मैं इसे दम लगा दूंगी। तो इसे पकते हुए 3 मिनट हो चुके हैं, अब इसे ढक के ना 8 या 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसे दम पे लगा दूंगी ताकि जो हमारा चिकन अच्छी तरह से गल जाए, मसाला अच्छा सा बन जाए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे वीडियोज़ को, और जो न्यू है मेरे चैनल पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अब इसे ढकने लगी हूँ, ढक के पकाऊँगी 8 या 10 मिनट। चिकन को पकते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, जितना आपको मसाला चाहिए आपने इसको उतना ही पकाना है। तो अभी मैं भी देखती हूँ कि चिकन हमारा तैयार हुआ या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चिकन जो है मुझे लगता है माशाल्लाह तैयार है। ये देखें, ये इसका मसाला है, बहुत ज़बरदस्त बना हुआ। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी मसाला भरी मिर्चें और दम लगा दूँगी सिर्फ 2 मिनट के लिए ताकि मिर्चों की जो खुशबू है वो चिकन में अच्छी तरह से रच बस जाए। देखिए हमारा अचार गोश्त मसाला रेसिपी कैसी लगी आपको, अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो न्यू आने वाले हैं ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं वीडियोज़ बनाती हूँ लेकिन आपको जो रिस्पॉन्स है वो मुझे इतना ज़्यादा नहीं आ रहा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर भी करें। इसी के साथ मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, मिलती हूँ इसी और न्यू रेसिपी के साथ। अगर आप अपनी पसंद की कोई रेसिपी बनवाना चाहती हैं, कोई रेसिपी देखना चाहती हैं, तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, मैं इंशाल्लाह आपकी वो रेसिपी आपको ज़रूर बना के दिखाऊँगी। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाएँ, रहमतें बरकतें और वसअतें अता फरमाएँ। अल्लाह हाफिज़।